हेलो गाइस, आज यार आज से हम एक नई सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है बेस्ट एंड्रॉयड होम स्क्रीन सेटअप ऑफ द वीक। तो मैं हर वीक में आपको एक नया होम स्क्रीन सेटअप के बारे में बताने वाला हूँ। तो आज के इस वीडियो में मैं बेस्ट होम स्क्रीन जो एंड्रॉयड सेटअप है उसका मैं फर्स्ट वीडियो बनाने जा रहा हूँ। आज के इस वीडियो में जो हमारा जो होम स्क्रीन सेटअप है वो काफ़ी अच्छा और मिनिमलिस्टिक टाइप का होम स्क्रीन सेटअप है। तो आज के इस वीडियो में इसी के बारे में बात करने वाला हूँ और आपको बताऊंगा कि कौन कौन से आइकन पैक और कौन कौन से विजिट्स का मैंने यूज़ किया हूँ इस सेटअप को क्रिएट करने के लिए। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, हम स्टार्ट करते हैं हमारे इस वीडियो को। सो गाइस, स्टार्ट करते हैं हमारे इस वीडियो को। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो जो चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ इन सब की जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगी, तो आप वहाँ से जाके इन्हें चेक कर सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं किसी भी होम स्क्रीन सेटअप को सेटअप करने के लिए सबसे पहले आपको एक कस्टम लॉन्चर की यूज़ करना पड़ता है। तो यहाँ पर मैंने जो है लॉन्चर V2 लॉन्चर का यूज़ किया है और ये लॉन्चर आपको प्ले स्टोर पर नहीं देखने को मिलेगा, तो इसका लिंक मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। तो अब इस लॉन्चर को यूज़ करने का जो मेन कारण था वो ये था कि इसके अंदर आपको क्लोज टू स्टॉक एंड्रॉयड लॉन्चर के जो है फीचर्स देखने को मिल जाते हैं और ये एक पेड ऐप नहीं है, ये एक फ्री ऐप है। तो इसके अंदर जो आपको एक्स्ट्रा फीचर्स देखने को मिलते हैं वो आपको फ्री में देखने को मिलेंगे, ना कि पेड में देखने को मिलेंगे। जहां पर आपको जो पेड ऐप्स है आपको प्ले स्टोर पर देखने को मिलती है वहां पर आपको नोवा लॉन्चर का आप बोल सकते हो जो प्रीमियम वर्जन है वो 150 रुपये का देखने को मिलता है, 100 रुपये का देखने को मिलता है, लेकिन यहां पर ऐसा कुछ भी नहीं है, यहां पर आपको फ्री ऐप देखने को मिलेगी। तो इसके अंदर जो ऑप्टिमाइजेशन है स्टॉक एंड्रॉइड टू क्लोज टू स्टॉक एंड्रॉइड की जो ऑप्टिमाइजेशन है वो भी काफ़ी अच्छी है। तो यहां पर मैंने जो है लॉन्चर विंटू लॉन्चर का यूज़ किया है और काफ़ी एक अच्छा लॉन्चर है जो आपका स्टॉक एंड्रॉइड की जो फील है इसके अंदर काफ़ी अच्छी देखने को मिल जाती है और काफ़ी वेल ऑप्टिमाइज्ड ये लॉन्चर है। तो अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट जो पिलर है जो है कि आइकन पैक। तो आइकन पैक यहाँ पर मैंने एनिक्स आइकन पैक का यूज़ किया है जो कि काफ़ी एक सुंदर और काफ़ी मिनिमलिस्टिक आइकन पैक है। इसके अंदर आपको 3000 से भी ज़्यादा आइकन्स देखने को मिल जाते हैं और काफ़ी वेल डिज़ाइंड ये जो है आइकन्स है और ये मिनिमलिस्टिक दिखते, काफ़ी बड़े भी नहीं दिखते, भद्दे नहीं दिखते, काफ़ी छोटे और मिनिमलिस्टिक आपको डिज़ाइन इसके अंदर देखने को मिलता है और ये काफ़ी सारे आइकन्स इसके अंदर आपको जो है देखने को मिल जाते हैं ताकि आपको जो है अदर से जो है कस्टम आइकन्स पैक का यूज़ ना करना पड़े। तो इसके अंदर आपको 3000 से भी ज़्यादा आइकन पैक देखने को मिल जाते हैं जो कि आपको ये प्ले स्टोर पर देखने को मिल जाएगा और इसकी जो प्राइस है 80 या 100 रुपये होनी चाहिए। मैंने देखा नहीं बहुत दिनों से क्योंकि मेरे पास ये बहुत दिनों से है और मैंने काफ़ी सारे एंड्रॉयड सेटअप्स में इसका यूज़ किया है। तो अब चलते हैं हमारे तीसरी चीज़ की ओर जो कि है विजिट। तो विजिट जो है मैंने इसके अंदर जो यूज़ किया है वह ओवरड्रॉप विजिट जो कि आपको प्ले स्टोर पर देखने को मिल जाता है और ये एक फ्री ऐप है और इसका भी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो इसके अंदर आपको जो है चीज़ें देखने को मिल जाती है, इसके अंदर जो है पेड ऐप्स भी पेड जो विजिट है वो भी देखने को मिल जाते हैं, साथ में जो है फ्री विजिट भी देखने को मिल जाते हैं। तो जो आप देख सकते हैं कि मैंने दोनों जो विजिट्स का यूज़ किया है इसके अंदर जो है दोनों विजिट जो है फ्री वाले विजिट है। तो जो सबसे नीचे वाला गूगल सर्च बार वाला विजिट है वो भी आपको देखने को मिल जाता है। तो इसको मैंने पहले सेटअप किया है, तो आप इन दोनों को सेटअप कर सकते हैं। सिंपली आपको करना क्या, आपको होम स्क्रीन पर टैप करना, होल्ड करके रखना है, वहाँ से आपको विजिट के लिए जाना है और वहाँ से आपको ओवरड्रॉप विजिट को सिलेक्ट कर लेना है। तो मैंने यहाँ पर जो सबसे नीचे वाला विजिट है वो है ओवरड्रॉप का विजिट और सबसे ऊपर वाला भी जो विजिट है चीप एंड सिंपल वाला विजिट है ओवरड्रॉप का। तो ये दोनों जो विजिट है काफ़ी मिनिमलिस्टिक, काफ़ी सिंपल विजिट है। इसके ऊपर जो ऊपर वाला जो विजिट है आपको इसके अंदर जो डेट है, वेदर है और जो डे या नाइट का वेदर है वो भी देखने को मिल जाता है, यानी कि आपको टोटल इन्फॉर्मेशन इसके अंदर देखने को मिल जाती है। अब चलते हैं हमारे चौथी चीज़ की ओर जो कि है वॉलपेपर। तो वॉलपेपर का जो लिंक है मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा दूंगा ताकि आप वहां से जाके इसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये था मेरा बेस्ट होम स्क्रीन सेटअप जो कि आपको देखने को मिल जाता है और ये जो मेरा पहला वीडियो था ये काफ़ी कीप एंड सिंपल मैंने इसे रखने की कोशिश करी है ताकि आपको जो आपका स्मार्टफोन है ज़्यादा बल्की ना हो सके और जाके और आपका जो स्मार्टफोन है ज़्यादा हेवी ना हो सके। तो मैंने काफ़ी सिंपल रखने की कोशिश की है इस होम स्क्रीन सेटअप को। तो मुझे उम्मीद है कि आपको जो मेरा वीडियो है वो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर दो इस वाले चैनल को। मिलता है आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन यू गाइस हैव अ ग्रेट डे।